हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके टीक में। दोस्तों तो एक इस सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर। दोस्तों इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा द ग्रेट ग्रीन वॉल। द ग्रेट ग्रीन वॉल आखिर है क्या? आपने इससे पहले नाम सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये इससे भी लंबी विश्व में बनाई जा रही है द ग्रेट वॉल। दोस्तों क्या द ग्रेट ग्रीन वॉल जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लंबी बनाई जा रही है। दोस्तों मैं आपको यहाँ जानकारी के हिसाब से पहले बता देता हूँ हिंट के तौर पर कि ये जो द ग्रेट ग्रीन वॉल है ये कोई ब्रिक्स यानी ईंटों से नहीं बनाई जा रही। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये बनाई किससे जा रही है। तो दोस्तों अगर वो आपको जानना है कि किससे बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है, इसका एम क्या है और ये किस समिट द्वारा इसकी प्लानिंग की गई है और कहाँ पर की गई है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में भी साझा करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में मज़ा आ जाएगा कि आपको और पता भी चल जाएगा कि आखिर ये मसला है क्या द ग्रेट ग्रीन वॉल का। तो दोस्तों आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपके सबसे पहले मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखा है मैप, ये है कौन सा? तो मैं आपको बता दूँ कि जो ये मैप है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, यानी अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है दोस्तों, जिसमें मैंने कुछ देश भी लिखे हैं। तो आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पर आपको पहले जानकारी के मैं हिसाब से बता दूँ और मेरे को आप बताना भी कि जो हमारी थ्री इमेजिनरी लाइन है, तीन इमेजिनरी लाइन यानी जो काल्पनिक रेखाएँ हैं, कौन कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो तीनों हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये तीनों कॉन्टिनेंट महाद्वीप से होकर जाती है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों इमेजरी लाइन होकर जाती है? तो कौन क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? कौन सा है आप सोच रहे होंगे सारा? तो आप बिल्कुल गलत हैं। नहीं, मैं आपको यहाँ जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है अंटार्कटिका। कौन सा दोस्तों? अंटार्कटिका। और दूसरा यानी सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट वो कौन सा है? तो आर्कटिक है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? सहारा डेजर्ट। हाँ, लेकिन ये तीसरा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर विश्व में सबसे गर्म और बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, जब आपका आएगा क्या? सहारा मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि जो तीनों इमेजरी लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो इक्वेटर है वो भूमध्य रेखा, सॉरी, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जाता है। और आपको पता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो किसे? अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि जो अफ्रीका में कौन सा सहारा डेजर्ट सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, सहारा डेजर्ट, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है, यहाँ जो मैं सर्कल कर रहा हूँ तो यहाँ दोस्तों क्या है? डेजर्ट है। कौन सा? सहारा डेजर्ट। अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ क्या है? सहारा डेजर्ट। क्या दोस्तों? सहारा मरुस्थल। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा कि आखिर द ग्रेट ग्रीन वॉल है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है? सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो ये कई देशों को घेरे हुए है, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अब आपको ध्यान रखना है क्या, हमें पता है कि जो मरुस्थल है, जैसे आपको मैं बता दूं कि भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल, है ना, तो ऐसे ही अफ्रीका में कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फैलता है। ऐसे ही भारत में जो थार मरुस्थल है वो भी फैलता है, और जो थार मरुस्थल है वो चार राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन सा दोस्तों? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ध्यान रखना कि चार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है, भारत के इन राज्यों में भी होता है। सबसे ज़्यादा किस में है? तो आपका कौन सा है? राजस्थान में। एक मैं जानकारी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो जैसे भारत में थार मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, ऐसी ही पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें कि पाकिस्तान में मरुस्थल का क्या नाम है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ ड्रॉ करके कि ये सहारा डेजर्ट है। क्या दोस्तों? सहारा डेजर्ट। हम आपको बता दें कि जो सहारा डेजर्ट है, क्या दोस्तों? जो सहारा डेजर्ट है ना, यहाँ सपोज़ करो ये सहारा डेजर्ट है, यानी ये पॉइंट है कोई, ये क्या है? सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो सहारा डेजर्ट है ये प्रेड करता है,
फ्रेट का मतलब दोस्तों मार्च, यानी मार्च। जैसे आपको देखा होगा कि जब भी रिपब्लिक डे होती है उसमें जो हमारी आर्मी होती है वो कैसे मार्च करती है ना, एक साथ फ्लो में आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, ध्यान रखना आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसी जो सारा डेजर्ट है वो भी दिन या समय बाद वो भी बढ़ता रहता है, तो वो एक स्थान से बी चला जाता है, बी स्थान पर। और जो बी स्थान है वो हरा भरा स्थान होता है, तो जब वो ए स्थान से बी स्थान जाता है और जो हरा भरा स्थान को भी सूखा कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेड मार्च डेजर्ट। क्या दोस्तों, प्रेड मार्च डेजर्ट कहा जाता है। तो ऐसी ही जो सारा मरुस्थल का जो विस्तार है यानी इसका जो एक्सटेंड है ये बढ़ता जा रहा है, यानी ए स्थान से बी स्थान हो गया, और जो बी स्थान है यानी जो हरा भरा स्थान है उसको भी ये सूखा कर देता है, बंजर भूमि बना जाता है, कुछ अनुपजाऊ भूमि बना देता है वहाँ पर, ठीक है, जो वहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन होता रहता है। तो आपको इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों क्या, कि जो सहारा डेजर्ट है वो भी क्या करता है, मार्च करता है, ठीक है, मार्च करता है, सहारा डेजर्ट है मार्च करता है। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जो कांगो बेसिन है, कांगो जो बेसिन है उसमें सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्या दोस्तों, सदाबहार वन यानी हमेशा यहाँ पर हरा भरा मैदान होता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी वर्षा भी होती रहती है, नमी भी होती है, ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ध्यान रखना जो कांगो है, यानी जो कांगो है उसे जो हमारी 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कौन सी, इक्वेटर, इक्वेटर, तो इक्वेटर है जो, वो अफ्रीका के कांगो बेसिन से होकर जाती है, और जो कांगो बेसिन है वो बेसिकली सदाबहार वनों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब जानकारी के हिसाब से ध्यान रखना कि जो सहारा मरुस्थल और भूमध्य रेखा में सहारा वन, सदाबहार वन है जो, उनके बीच की जो भूमि है और उसमें जो फंसे यानी उसमें जो स्थित देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है, साहिल प्रदेश। एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल और सदाबहार वनों के ऊपर जो देश स्थित है अफ्रीका में, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, साहिल प्रदेश। क्या दोस्तों, साहिल प्रदेश। तो ध्यान रखना साहिल प्रदेश किन्हें कहते हैं, जो सहारा मरुस्थल और के नीचे और सदाबहार वन के ऊपर जो स्थित कौन कौन से देश, मौरितानिया, माली, नाइजीरिया, चाड और सूडान, यानी जो मैंने नीले पेन से लिख रखे हैं 6 देश, ये दोस्तों साहिल प्रदेश कहलाते हैं, जो सहारा मरुस्थल के नीचे और सदाबहार वन यानी भूमध्य रेखा के ऊपर जो स्थित अफ्रीका में देश है, कौन से 6, मौरितानिया, माली, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और सूडान, ये साहिल प्रदेश कहलाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, साहिल प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ तक जानकारी आप तक, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एक समिट की, किसकी, एक समिट की बात करता हूँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 11 जनवरी 2021 यानी हाल ही में एक समिट हुई थी, उसका नाम क्या था, वन प्लैनेट समिट ऑफ बायो डाइवर्सिटी। तो ये एक समिट हुई थी, वन प्लैनेट समिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कब हुई थी, 11 जनवरी 2021 में। कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी फ्रांस में। तो इस समिट में जब हुई थी तो इसमें WB और WTO जैसे और USA, फ्रांस जैसे बहुत पावरफुल जो देश हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, पार्टिसिपेट करा था। तो इसमें क्या जानकारी इनको प्राप्त हुई कि जो सारा डेजर्ट है वो अपना आप मार्च कर रहा है, मैंने आपको मार्च बता दिया, यानी परेड कर रहा है यानी आगे बढ़ रहा है, और जो जैसे सदाबहार वन में जो भी हरा भरा मैदान है उनको जब ये सारा डेजर्ट है परेड करेगा, मार्च करेगा, तो उससे जो सदाबहार वन है वो भी उसको सूखा कर देगा, यानी वो भी बंजर भूमि बना देगा। तो ऐसे में जो वन प्लेनेट समिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसमें ये विचार किया गया कि जो सारा मरुस्थल के विस्तार को हम कैसे रोक सकें, और जो इससे लगे साहिल प्रदेश, मौरितानिया, माली, नाइजीरिया, चाड और सूडान को जो सबसे खतरा होगा, यानी जो साहिल प्रदेशों को खतरा होगा, इनके बचाव के लिए हम क्या करेंगे। तो ऐसे में इस समिट के द्वारा सहारा मरुस्थल के प्रसार यानी उस एक्सटेंड को रोकने के लिए उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हरे भरे पौधे लगाते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो मौरितानिया, माली यानी जो साहिल प्रदेश है ये कितना लंबा है,
ये कितना लंबा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पौधे लगाएंगे। हाँ दोस्तों हाँ, यहाँ पर हरे पौधे लगाएंगे। तो इस मीटिंग में यही हुआ कि अगर हमें सारा मरुस्थल को रोकना है तो यहाँ पर साहिल प्रदेशों के ऊपर और साहिल प्रदेशों के जहाँ ख़त्म हो रहे हैं नीचे, वहाँ तक हमें जो पेड़ पौधों का विस्तार करना है, ठीक है, तो पेड़ पौधों का विस्तार करना है। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, द ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। इस मीटिंग में दोस्तों क्या हुआ था कि $14 बिलियन का जो यहाँ पर दिया गया था किनको, कि जो साहिल मरुस्थल है इसको कम करने के लिए यहाँ पर क्या जो साहिल प्रदेश है 6 देशों में, यानी 8 दोस्तों, यहाँ आपको बता दूँ मैं क्या, $14 बिलियन में ये कहा गया था कि हम यहाँ पर 8,000 किलोमीटर पौधे लगाएंगे, यानी पेड़ पौधे लगाएंगे 8,000 किलोमीटर लंबे पेड़ पौधे लगाएंगे यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे अल्जीरिया के यहाँ तक और जो मोरितानिया नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे जो एक लंबी चैन के रूप में आपको दिखाई देगी। तो इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, द ग्रेट ग्रीन वॉल कहा जाता है। क्या दोस्तों, द ग्रेट ग्रीन वॉल, क्योंकि एक लंबी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यानी ठीक है, द ग्रेट वॉल ऑफ विंग, ठीक है। तो इसमें इस मीटिंग में ये कहा गया कि हम यहाँ पर 8,000 किलोमीटर लंबाई में क्या पेड़ पौधे लगाएंगे और इनकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, चौड़ाई होगी 15 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर की इनकी चौड़ाई होगी, यानी यहाँ तक ऐसे। तो यहाँ गिरे भरे भरे पौधे लगाएंगे तो आपको कैसे दिखेगी, एक लंबी चैन, हरी भरी चैन, तो ये क्या हो जाएगा, एक बॉर्डर हो जाएगा, यानी दीवार की तरह में दिखाई देगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, द ग्रेट ग्रीन वॉल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि द ग्रेट ग्रीन वॉल आखिर है क्या। एक बार मैं फिर जिक्र कर देता हूँ कि साहिल प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सारा मरुस्थल के नीचे और सदाबहार वनों के जो ऊपर, जो बीच में फंसे स्थित अफ्रीका में, कौन कौन से, मोरितानिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, नाइजर, चाड और सूडान, ये दोस्तों साहिल प्रदेश कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, साहिल प्रदेश ओनली 6 है, 6 प्रदेश है, यानी जो मैंने नीले पेन से लिख रखे हैं ना, खाली वही साहिल प्रदेश की उसमें आते हैं, ग्रुप में आते हैं। और जो माली के ऊपर जैसे अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ये नहीं आते हैं, जो मैंने नीले पेन से लिखा है खाली यही आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक देश और है, कौन सा, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ध्यान रखना। आप बोलोगे कि और हाँ एक चीज़ और, सारा मरुस्थल के जो ऊपर है यहाँ मीडिएटर सी है, कौन सा, सारा मरुस्थल के ऊपर एक वो है सी, मीडिएटर यानी भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन सा सी है, भूमध्य सागर स्थित है। तो ये जो दोस्तों है, सारा मरुस्थल ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा जो ये देश है साहिल प्रदेश को नुकसान होगा, और जो यहाँ से और नीचे आएगा जो कांगो और जो इससे लगे जो राज्य सदाबहार वन उनको भी प्रभावित करेगा सारा डेजर्ट पहुँचा के। तो ऐसी स्थिति में सारा मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए वन प्लैनेट समिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम आपको $14 बिलियन का निवेश देंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे आपके किसके लिए, सारा मरुस्थल को रोकने के लिए, और साहिल प्रदेशों के साथ यानी यहाँ से यहाँ तक कौन सी एक पेड़ पौधे लगाएंगे जिनकी लंबाई 8,000 किलोमीटर और जो चौड़ाई है वो 15 किलोमीटर होगी, जिसे हम द ग्रेट ग्रीन वॉल के रूप में जानते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको द ग्रेट ग्रीन वॉल आखिर है क्या, ये मसला है क्या, इसका एम क्या था। तो ध्यान रखना, एम था इससे क्या होगा, जीविका भी बढ़ेगी, रोजगार मिलेंगे, और इससे जो भी उत्पादन होगा वो भी बढ़ेगा, क्यों, तो कि जो सारा मरुस्थल है उसके विस्तार को भी रोका जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो भारत में थार मरुस्थल है ना, उसको भी जो राजस्थान की राज्य सरकार है उसके द्वारा थार मरुस्थल को रोकने के लिए वहाँ पर कई पौधों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि किन किन पौधों का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है थार मरुस्थल को रोकने के लिए। जैसे मैं बता दूं आपको, नांगा वो पौधे भी है, एक टंडा थोर है, तो ऐसे कई, मतलब मैंने आपको वीडियो में बना रखा है, एक जिसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से देखिए कि भारत सरकार यानी जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा थार मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए भी क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं।
होप करता हूँ दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा कि क्या द ग्रेट ग्रीन वॉल आखिर है क्या। और दोस्तों मैंने आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे भारत में मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, ऐसे ही जो पाकिस्तान में है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, ठीक है। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा हो, पहली बार देख रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो ऐसे ही टॉपिक पर हम आपको ईजिली ही समझा दें और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए हाँ ऐसा भी होता है। तो दोस्तों उसके लिए हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो जब तक के लिए दोस्तों अगली वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Thank you.